Let us see cooling of the transformer, as this is very important for transformers working. क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं हीट लॉसेस आर देयर इन द कोर इन द वाइंडिंग. तो जो ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग है इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफॉर्मर इज आइदर डिसिपेटेड और ट्रीटेड टू अ सेफ वैल्यू. और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी कूलिंग मेथड्स अवेलेबल हैं. तो मेजर फैक्टर फॉर द जनरेशन ऑफ हीट एज आई सेड हिस्टेरेसिस लॉस एडी करंट लॉस विच एड अप टू आयरन लॉस एंड दी कॉपर लॉसेस. और इसके अलावा मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूटर इनमें से है हीट जनरेशन का वो ये कॉपर लॉस ही है जो कि आई स्क्वायर आर लॉस होता है. करंट और लोड वेरी करने से आई स्क्वायर आर लॉस वुड बी देयर. हायर लोड होगा हायर लॉस होगा. तो टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल कंटिन्यू टू इंक्रीज रैपिडली है ना, क्योंकि हमारा कॉपर लॉस वेरी करेगा नियर फुल लोड. इफ इट इज वर्किंग इट विल बी हाई. तो उस केस में यदि हम टेम्परेचर को अलाउ करते हैं बढ़ता रहे ऑयल का तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो डिग्रेडेशन हो जाएगा इंसुलेशन का और साथ में ऑयल का. इसके अलावा हीट लॉस की वजह से वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड द असेंबली गेट डैमेज और इसलिए ट्रांसफॉर्मर फेलियर का खतरा बना रहता है. इसीलिए इस हीट का प्रॉपर रिमूवल या ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंटली वर्क करता रहे, सारे कंपोनेंट्स की लाइफ अच्छी हो और ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी भी हाई हो. तो जो भी कूलेंट इसमें यूज करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस ये या तो एयर होगा या सिंथेटिक ऑयल्स होंगे या मिनरल ऑयल्स या गैस या वाटर. दे ऑल कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है कूलेंट इट डिपेंड्स ऑन द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर. वन इज ड्राई टाइप जिसमें हम जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कोई ऑयल या वाटर नहीं होगा और दूसरा टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा ऑयल इमर्स्ड टाइप है ना. तो फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर कुछ जो मेजर कॉमन मेथड्स हैं वो है वन एयर नेचुरल जो कि एज नेम सजेस्ट छोटी सी ट्रांसफॉर्मर रेटिंग होगी तो एयर नेचुरल से काम चल जाएगा हीट लॉस को कॉम्पनसेट करने. दूसरा है एयर ब्लास्ट और फोर्स्ड. तीसरा है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल टाइप कूलिंग. चौथा है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग. देन इज ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग. देन ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग. लास्ट वन इज ऑयल फोर्स्ड एंड वाटर फोर्स्ड कूलिंग. तो ये जो लास्ट जो कुछ हैं जिनमें हम वाटर यूज कर रहे हैं दे या एयर फोर्स यूज कर रहे हैं दे आर एक्चुअली हीट एक्सचेंजर बेस जहां पर हम ठंडे पानी को हीट देते हैं और ऑयल उसका हीट देने की वजह से ठंडा होता है. तो हीट एक्सचेंजर्स एक्चुअली आर दी एनर्जी कंजर्वेटर्स ऑल्सो. तो सबसे पहले ट्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, इसमें जो कूलिंग होती है उसको हम दो मेथड से डिफाइन कर सकते हैं. पहला एयर नेचुरल मेथड कहाँ यूज होगी है, यहाँ पर जहां पर ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कम हो. इट कैन गो अप टू 1.5 एमवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर. तो एयर नेचुरल मेथड में जो ट्रांसफॉर्मर में हीट जनरेट होती है दैट इज कूल्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ नेचुरल एयर. तो whenever the transformer temperature becomes higher compared to the temperature of surrounding air, there is the process of natural convection or heated air is replaced by the cool air. So this method is also known as self-cooling method. क्योंकि self-cooling ही हो रही है, hot air is going out and cold air is coming in types. तो इस तरह से कम रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर्स के जो कूलिंग है दैट कैन बी डन. बट वॉट अबाउट हायर रेटिंग. तो अगर एयर फोर्स्ड या एयर ब्लास्ट कूलिंग को हम यूज करें तो दिस मेथड यूजेस हीट जनरेटेड जो भी है उसके लिए फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन मेथड. तो हम फैंस और ब्लोअर्स की मदद से हाई वेलोसिटी एयर को कोर की तरफ फोर्स करते हैं तो साथ में वाइंडिंग की तरफ भी ये एयर जाती है. तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर के अंदर का जो टेम्परेचर सेव वैल्यू से ऊपर जाता है द अलार्म इज एक्टिवेटेड और फैंस और ब्लोअर्स स्विच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ऑन एंड दे फोर्स द एयर टुवर्ड्स दीज वाइंडिंग्स एंड कोर्स
और ये वाली कूलिंग मेथड है ये 15 MVA रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर्स के लिए सूटेड है. वेदर वी सेट एयर नेचुरल इज अप टू 1.5 MVA एंड दिस एयर फोर्स कूलिंग इज सूटेड फॉर अप टू 15 MVA ट्रांसफार्मर. इसके बाद वाली रेटिंग्स 15 MVA अब हम ऑयल का यूज करते हैं फॉर ट्रांसफार्मर कूलिंग. तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर टैंक जिसमें हमें ट्रांसफार्मर रखना है इट इज इमर्स्ड विद द ऑयल. ओके एंड देन सबसे पहली मेथड है ऑयल नेचुरल एयर कूल्ड मेथड. तो नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर दिस टाइप ऑफ कूलिंग. तो जैसा मैंने कहा कि ये ऑयल इमर्स टैंक में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और कोर और वाइंडिंग जब भी हीट अप होंगी टेम्परेचर ऑफ ऑयल विल ऑल्सो राइज. So as the temperature of oil raises, what will happen? The heated oil moves upwards, garam cheez upar aati hai, and flows from the upper portion of the transformer tank. This hot oil dissipates heat in the air by natural convection or conduction process. So uski wajah se oil gets cooled and it comes down. तो इस तरह से नेचुरल एयर सर्कुलेशन के पास होने से और ऑयल इज पासिंग थ्रू दिस हॉट एंड कूल प्रोसेस नेचुरल कूलिंग इज पॉसिबल. और इस तरह से हम अप टू 30 MVA ट्रांसफार्मर्स को हीट प्रोटेक्शन या कूलिंग प्रोवाइड कर पाते हैं. अब नेक्स्ट आता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स. तो जैसे हमने देखा एयर फोर्स वाला जो नेचुरल ड्राई ट्रांसफार्मर है उसी तरह से ऑयल नेचुरल एयर फोर्स केस में अप टू 60 MVA रेटिंग इट इज पॉसिबल टू कूल विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड. तो जैसे हमने देखा हीट इज डिसिपेटेड थ्रू कन्वेक्शन प्रोसेस इन विच एयर इज नेचुरली सर्कुलेटेड टू कूल डाउन. बट जब थोड़ा सा ज्यादा हो गया हीट अप तो क्या होगा फोर्स्ड एयर इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कूलिंग थ्रू द रेडिएटर. नेक्स्ट कम्स ऑयल नेचुरल एंड एयर फोर्स्ड. एज नेम सजेस्ट कूलिंग ऑफ ऑयल विल बी फास्टर इफ द एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज्ड. है ना तो ज्यादा इसको कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस से ठंडा होना पॉसिबल होगा. इट विल रिजल्ट इन द हीट डिसिपेशन एरिया बढ़ गया. अब द फैंस एंड ब्लोअर्स आर इंस्टॉल तो क्या होगा जब भी फैंस एंड ब्लोअर्स विल सेंड द एयर हाई वेलोसिटी एयर इज फोर्सफुली अप्लाइड टू द रेडिएटर और कूलिंग टावर्स पे तो ये इस एरिया में जो भी ऑयल पास हो रहा है अंदर इसके टैंक के दिस विल बी कूल्ड फास्टर एंड इट विल हेल्प इन कूलिंग मोर क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली. इसका कॉस्ट हाई है दूसरों की तुलना में क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज फैन एंड ब्लोअर्स की हमने लगा दी अपार्ट फ्रॉम ऑयल रेडिएटर एंड ऑल पर इससे इफेक्टिव कूलिंग पॉसिबल हो जाती है. ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड वाले केस में हमें ऑयल को भी फोर्सफुली वी आर रनिंग इट ओवर टू एक्सचेंजर एंड ऑल्सो एयर इज फोर्स्ड तो दोनों को ही हम बाय सम मीन्स वी आर फोर्सिंग देम डाउन टू एक्सचेंज द हीट. हीट एक्सचेंजर इज इंस्टॉल्ड थ्रू विच हॉट एयर ऑयल एयर इज सर्कुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पंप और एयर इज ऑल्सो फोर्स्ड टू पास ऑन द हीट एक्सचेंजर विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड फैंस. तो इस तरह से हीट एक्सचेंज फास्टर और एफिशिएंट हो जाता है. और इस मेथड में व्हेन देयर इज लो लोड ऑन द ट्रांसफार्मर कूलिंग इज डन बाय सिंपल सर्कुलेशन ऑफ एयर बट जैसे जैसे लोड बढ़ाया हीट जनरेटेड इज मोर तो सेंसर्स विल गिव एन अलार्म है ना और इसी वजह से पंप एंड फोन फैन बोथ आर स्विच्ड ऑन ऑटोमेटिकली तो कूलिंग विल टेक प्लेस बाय फोर्स्ड ऑयल एंड फोर्स्ड एयर मेथड. तो इस तरह से हम इस कूलिंग को भी इफेक्टिव बना लेते हैं. नेक्स्ट कम्स वाटर फोर्स्ड. तो यहाँ पर अब हम क्या यूज कर रहे हैं ऑयल नेचुरल एंड वाटर फोर्स. तो हम एयर की जगह वाटर पाइप्स में जो एयर फोर्स हो रहा था उसकी जगह वाटर फोर्स कर रहे हैं. तो इस मेथड के अंदर ट्रांसफॉर्मर कोर आर बाइंडिंग्स आर इन ऑयल टैंक रेडिएटर इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द टैंक एंड एज द टेम्परेचर राइजेस ऑयल हीट्स अप एंड मूव्स अपवर्ड्स. तो इसकी हीट जो डिसिपेट होगी वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन से हो रही है और ऑयल इज पास थ्रू द रेडिएटर पर जब वाटर को हम उसके सराउंडिंग में पंप करते हैं एंड इट इज पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर इट टेक्स आउट द हीट एंड एब्जॉर्ब्स दैट हीट एंड द ऑयल इज कूल डाउन एट दैट वे द इफेक्टिव कूलिंग इज पॉसिबल. नेक्स्ट अगर हम ऑयल और वाटर दोनों को फोर्सफुली सेंड करें हीट एक्सचेंजर में जहां पर दोनों को पंप यूज करना होगा ऑयल के लिए भी
और वाटर फोर्सिंग के लिए. तो लेवल एंड प्रेशर ऑफ ऑयल विल ऑलवेज बी कैप्ड हायर देन दैट ऑफ वाटर, जिससे कि यदि कोई लीकेज भी हो ना तो सिस्टम के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होना चाहिए वाटर के साथ, एंड दैट्स व्हाई इसको फास्टर स्पीड पर मूव करते हैं. दिस टाइप ऑफ मेथड इज सुटेड फॉर लार्ज कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग सेवरल 100 MVA में होगी या बहुत सारे ट्रांसफार्मर बैंक फॉर्म में इंस्टॉल्ड होंगे. तो मेनली दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज डन वेयर एट पावर स्टेशन लाइक हाइड्रो पावर प्लांट. So this way various type of cooling methods are implemented based on the rating of transformer and the location.